አሰላሙ አለይኩም ታዲያ መግለጫ ቢበናን ሲከንዲ ነው ከዛን ስለዚህ ምናን ተጣፍነ ይሄ በና ፕራክቲስ ከዘራተ ወራፋ ኪ ካፕሌና ያቆ ሳረ መጀመሪያ ስለ ቻያ አገር ካም ባናነ ተ ቶራ ልጅ ቾታ ካፕሌጀ ባዛዳ ተ ባራ तो डेढ़ कप हम लोग चीनी लेंगे उसमें डेढ़ कप पानी डालेंगे और इसे चढ़ा देंगे हम लोग गैस पे बनने के लिए सिरप फिर उसके बाद डेढ़ कप मैदा लेंगे मीन वाइल सिरप के इसमें हम लोग फूड कलर ऐड करेंगे तो पिंच थोड़ा सा और थोड़ा सा नींबू ऐड करेंगे जो क्वांटिटी दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर उसके बाद चलाएँगे इसको बैटर पर आएँगे हम लोग उसमें डेढ़ टेबल स्पून जो है हम लोग घी ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे फिर इनो ऐड करके हम लोग को खूब अच्छे से मिला लेना है उसको फिर उसके बाद पानी ऐड करेंगे एक कप अप्रॉक्स और नहीं बैटर ज़्यादा लिक्विड ही होना चाहिए नहीं ज़्यादा थिक होना चाहिए कि हमको प्रॉब्लम हो जलेबी बनाने में तो ये कंसिस्टेंसी आप बनाते बनाते सीख जाओगे फिर उसके बाद तेल चढ़ा देना है फूड कलर ऐड करना है हम लोग को बैटर में फिर उसके बाद हम लोग को जो है मिक्स खूब अच्छे से कर लेना है बैग में डालना है इसको प्लास्टिक बैग में फिर उसके बाद आपको शेप बनाना अभी तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा शेप बन रहा है बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा बट स्लोली विल बिकम अ प्रो प्रैक्टिस जितना ही मुश्किल था हम लोग को पहले बचपन में सीधी लाइन बनाना उतना ही टफ है हम लोग को अब टेढ़ी लाइन बनाना बट धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ जलेबी को सील भी करना रहता तो आप जैसे सर्कल बना रहे हो उसके बाद एंड में आपको बुलाकर पूरा बैटर जो है उसके ऊपर भी फेरना रहता है ताकि वो सील हो जाए परंतु हम लोग को गर्म सिरप में डालना है ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए सिरप अगर आपको लगे कि हाँ ठंडा हो गया सिरप तो गर्म कर लीजिए फिर से फिर उसके बाद तुरंत ही डिप करके वो सिरप तुरंत ही सोख कर लेना उसे डिप करना है जलेबी को तुरंत ही ऑयल से निकाल के सिरप में डालना है फिर उसके बाद निकाल लेना है जब सिरप सूख ले फिर उसके बाद एक मेरा नेक्स्ट बैच भी प्रिपेयर है मतलब जैसे आप धीरे धीरे बनाना सीख लेंगे अब आप देखेंगे कि हाँ धीरे धीरे सही बन रही है जलेबियाँ उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आप जलेबी बनाना सीख गए होंगे थैंक यू अल्लाह हाफिज़